तो दोस्तों आप साफ साफ मेरी आंखों में नींद देख सकते हैं और अब वक्त होता है सोने का, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और वैसे तो मैं लखनऊ जंक्शन को भी कवर करने वाला था कि वो स्टेशन आप सभी को दिखाऊं, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 12 बजे के बाद लखनऊ जंक्शन आएगा, तो उसको भी हम फ़िलहाल छोड़ते हैं और चलते हैं सोने। और सुबह उठ करके आपको बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ दिखानी है, बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखने को मिल सकती है सुबह सुबह। और सुबह ही मैं आपको ले चलूँगा इस ट्रेन के बाकी और क्लासेस में, बात करें टू टायर की और स्लीपर क्लास, क्योंकि वो सभी क्लासेस जो हैं वो फर्स्ट एसी की तरह ही बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही उम्दा हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं सुबह, अभी चलते हैं थोड़ी अपनी नींद कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी से उठ करके आप सभी को फिर से इस ट्रेन के जो बाकी चीज़ें बची हुई चीज़ें हैं उसको आपको दिखाना है। सोने की कोशिश की और नींद भी आ रही थी, पर आखिर में बर्थ से उठना ही सही लगा। वैसे नींद तो बहुत आ रही थी, पर फिर लगा कि वीडियो बनाना चाहिए लखनऊ उतर करके, तो भाई साहब रहा नहीं गया और वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गया था। और अभी हम लखनऊ के आउटर में हैं, और बात करें टाइम की तो अभी वक्त हो रहा है 11:58, और इस ट्रेन का सही समय है लखनऊ पहुँचने का 11:48, तो करीब 10 मिनट के विलंब से हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये आप देख सकते हैं ठीक हमारे कोच के पीछे जनरल क्लास है, और इतनी रात में भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हैं वो है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, जो मुजफ्फरपुर बिहार से आनंद विहार के बीच चलती है। इस ट्रेन के मुरादाबाद पहुंचने का समय है 4:42, और हमारी ट्रेन 4:55 पे वहां पहुंचती है, तो बिल्कुल इसके पीछे पीछे ही हम मुरादाबाद तक चलने वाले हैं। फिलहाल अभी नींद पूरी करते हैं, और सोने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जिनको बस रेल सफ़र करना है। बाकी आखिर में मैंने इस ट्रेन के अलग अलग क्लास के इंटीरियर्स दिखाए हैं, पर अगर आप फूड इंटीरियर और सर्विसेज देखना चाहते हैं इस ट्रेन की, तो आपको पार्ट 1 देखने की ज़रूरत है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे मुरादाबाद में। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं उठ गया। अभी वक्त हो रहा है करीब 5 बजने वाले, और हमारी ट्रेन जो है वो मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने वाली है, तो मैं चाहता था कि मुरादाबाद जंक्शन को आप सभी को दिखाऊं। फिलहाल हम हैं अभी रामगंगा रेल ब्रिज पे, और अगर आप लखनऊ से मुरादाबाद की तरफ जाते हैं तो ये रेल ब्रिज आपको मुरादाबाद से एक स्टेशन पहले कटघर और कटघर घाट के बीच में मिलेगा। अभी हम मुरादाबाद के आउटर में हैं। खैर बात करें इस ट्रेन की तो महामना एक्सप्रेस हमारे देश के महान फ्रीडम फाइटर मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है, जिनको महामना कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। और बनारस में जो BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी ईयर 1916 में। देश में और भी महामना एक्सप्रेस चलती हैं, पर उनकी बात हम वीडियो में आगे करते हैं। अभी वक्त हो चुका है 4:45, और हमारी ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन के दहलीज पर है, और हमारी ट्रेन अपने तय समय 4:55 से करीब 10 मिनट पहले ही पहुंच चुकी है। और ये कौन सी ट्रेन है आप सब लोग गेस कीजिए। जी हाँ, ये है हमारी सप्त क्रांति एक्सप्रेस, जिससे हम लखनऊ में मिले थे। अब यहाँ भी ये पहले पहुँच चुकी है, और इसके निकलने का वक्त भी हो ही चुका है। तो सप्त क्रांति फिर से हमसे पहले निकल चुकी है, और अब शायद फिर से इससे मुलाकात ना हो पाए, क्योंकि इस ट्रेन का हॉल्ट अब सीधे आनंद विहार में है, और हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद में रुकने वाली है। पर ताज़ु की बात यह है कि ये ट्रेन गाज़ियाबाद 7:26 पर क्रॉस करती है, और हमारी ट्रेन का टाइम गाज़ियाबाद में 7:20 का है, पर मुझे नहीं लगता कि हम इसको ओवरटेक करेंगे गाज़ियाबाद से पहले, और फिर गाज़ियाबाद में ये हमें ओवरटेक करेगी। सुबह सुबह चाय, वो भी स्टेशन की, हालांकि चाय के नाम पे सिर्फ गर्म पानी होता है, पर फिर भी अच्छा लगता है। चाय
ये डोर किसने लॉक कर दिया, दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ स्टेशन पे करीब 2004 में आया था और उसके बाद से मैं अब जाकर के स्टेशन पे आ रहा हूँ। हालांकि शायद इससे पहले कई बार इस स्टेशन से गुजरा ज़रूर होगा पर ध्यान बिल्कुल दिया, लेकिन आज 2004 के बाद पहली बार आज स्टेशन को इतना गौर से इतने ध्यान से देख रहा हूँ। तो हाँ, कुछ पुरानी यादें हैं यहाँ से जो आज फिर से ताज़ा हो गई हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो बैठने की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़िया है। जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था उस समय जब मैं छोटा था तो हमेशा ये पूछता रहता था कि मम्मी अब कौन सा स्टेशन आने वाला है, या फिर कोई मेरे साथ होता था तो उनसे पूछता था कि अब स्टेशन कौन सा आने वाला है और कितनी दूरी पर है, टाइम कितना रहेगा। तो ये सब सवाल बहुत पूछता था पहले मैं। तो आज वो सारी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई स्टेशन पर आकर के। खैर चलिए, अभी जर्नी को यहाँ से और जारी रखते हैं। हमारी ट्रेन जो है यहाँ अपने तय वक्त से 5 मिनट पहले ही पहुँच गई है और आशा करते हैं कि हम न्यू दिल्ली भी अपने तय वक्त से पहुँच जाए, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और मैंने ये अज्यूम किया था कि फॉग के कारण से जो हमारी ट्रेन है शायद लेट हो सकती है, लेकिन फॉग का कोई असर नहीं है, मौसम एकदम साफ है, जिस कारण से विलम्ब होने का कोई भी कारण नहीं है। सुबह सुबह कितनी शांति होती है, स्पेशली फर्स्ट क्लास में, लगता है बस आप ही हो पूरे कोच में। और साफ़ सफाई फिर से सुबह होगी, यहाँ तो ठीक है पर बाकी और क्लास में देखते हैं साफ़ सफाई कैसी है, पर थोड़ी देर बाद। बात करें स्पीड की तो महामाना एक्सप्रेस की टॉप स्पीड इस रूट पे करीब 110 किलोमीटर पर आवर की है और ज़्यादातर ट्रेन्स भी इसी स्पीड में चला करती हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है 6:23 और हम पहुँच चुके हैं हापुड़ जंक्शन और हमारी ट्रेन जो है यहाँ बहुत पहले ही आ गई। यहाँ पे कोई स्टॉप तो नहीं है पर फिर भी हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे आके रुकी हुई है। वक्त से काफ़ी पहले चल रही है हमारी ट्रेन। और एक चीज़ तो है कि सुबह सुबह आप देख सकते हो स्टेशन पे जो चहलकदमी है लोगों की वो, और सुबह सुबह जब चाय चाय की आवाज़ कानों में गूंजती है तो समझ में आता है कि हाँ आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। और अभी चल के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे गाज़ियाबाद जंक्शन पे, जहाँ पे हो सकता है कि हमारी जो मुलाकात है वो काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेनों से हो सकती है। तो चलिए सीधे आपको मिलते हैं गाज़ियाबाद जंक्शन और पे। बात करें उन अच्छी ट्रेन्स की तो वो हैं शिवगंगा एक्सप्रेस, काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो गाज़ियाबाद के आसपास मिल सकती हैं, क्योंकि इन सभी ट्रेन्स का टाइम लगभग गाज़ियाबाद में ऊपर नीचे का ही है। दोस्तों हमने सोचा था कि हल्का फॉग तो होगा ही पर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कैसी है। फिलहाल हम हैं अभी गाज़ियाबाद के आउटर में और काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ खड़ी है और जो सारी ट्रेन्स थी वो निकल चुकी हैं, उनसे हमारी मुलाकात अब नहीं होने वाली, क्योंकि ये गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से दो लाइंस जा रही हैं। एक जा रही है कानपुर की तरफ जिससे हमारी शिवगंगा, राजेंद्र नगर राजधानी, संपूर्ण क्रांति ये सभी ट्रेन्स आई और निकल गई, और दूसरा रूट है मुरादाबाद की तरफ जिस पर अभी हम खड़े हैं और यहीं से हमारी जो काठगोदाम शताब्दी है वो भी क्रॉस होगी। तो ज़ाहिर तौर पर काठगोदाम शताब्दी से हमारी मुलाकात ज़रूर से होगी। ये वही कर्व है जिसको अभी आपने मैप में देखा और जैसा कि उम्मीद थी सामने से आ रही है काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली से काठगोदाम के बीच चलती है। तो नैनीताल जाने वाले लोग अक्सर इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। खैर मैंने भी इस ट्रेन में यात्रा की है, उसका व्लॉग जल्दी ही आप सभी के सामने पेश करूँगा। एक साथ 3-3 WDG 4G रेयरली देखने को मिलते हैं अगर आप रोजा सेट के आसपास ना हो। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? बहुत ही रिस्की हो जाता है ये, क्योंकि दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही है, अगर हल्की सी भी गलती हुई तो सीधा फोटो फ्रेम में मिलेंगे ये भाई साहब।
खैर हमारे देश में अन्य रूट पे भी महामना एक्सप्रेस चलती हैं, जैसे कि वाराणसी वडोदरा महामना एक्सप्रेस, वेरावल इंदौर महामना एक्सप्रेस, वडोदरा रीवा महामना एक्सप्रेस, इंदौर बीकानेर महामना एक्सप्रेस और भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस, जिसमें सिर्फ बैठने की व्यवस्था है, यानी कि उसमें सिर्फ चेयर कार्स हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि हमारी जो महामना एक्सप्रेस है उसमें थर्ड एसी का कोई कोच नहीं है। अब ये भी जल्दी ट्रेन से उतरने वाले हैं, उतर गए और बाल बाल भी बच गए। तो ये MEMU भी हमारे साथ गाज़ियाबाद पहुंच गई। अभी वक्त हो चला है 7:25 और हमारी ट्रेन बस 5 मिनट के विलंब से यहाँ पहुंच गई है। खैर चलिए आपको इस ट्रेन के बाकी क्लास को दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट AC से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो कूप है वो बहुत ही शानदार है, इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार है और मेरे अभी तक के फर्स्ट क्लास के अनुभव में ये सबसे बेहतरीन इंटीरियर वाला फर्स्ट क्लास है। आइए अब आपको ले चलते हैं सेकेंड AC में। तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल सेकेंड AC की तरह यहाँ भी कर्टन्स है। और विंडोज थोड़े से वाइड लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। और जो सीढ़ियां है अपर बर्थ को जाने वाली वो बहुत ही यूनिक है इस ट्रेन में। सीट्स की कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है और सभी बर्थ पे आपको बॉटल रखने के लिए पाउच मिल जाते हैं LED लाइट्स के साथ। और अगर आप साइड डोर बर्थ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी प्राइवेसी मिल जाती है, नॉर्मल सेकेंड AC क्लास की तरह। चलिए वापस चलते हैं और स्लीपर और जनरल क्लास की हालत आपको दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे। और ये है ट्रेन नंबर 12312 कालका हावड़ा मेल, जो कालका से हावड़ा के बीच चलती है और हमारे इंडियन रेलवेज की ये सबसे पुरानी ट्रेन्स में से एक है। इसको पहली बार 1886 से शुरू किया गया था, तो आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी पुरानी है। दोस्तों ये वीडियो तो शूट हुआ था जनवरी लास्ट में, पर आप सभी को पता है कि देश में अभी हालात कैसे हैं। सारी जो ट्रेन्स हैं वो 15 अप्रैल तक बंद कर दी गई हैं और हम सभी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। पर यकीन मानिए हम ज़रूर जीतेंगे और बहुत ही जल्दी जीतेंगे, बस घर से मत निकलिएगा आप सब। फिलहाल हम न्यू दिल्ली स्टेशन पे पहुंचने ही वाले हैं और ये सफ़र बहुत ही शानदार था और मेरा पहला एक्सपीरियंस था महामना एक्सप्रेस। हालांकि इसको शुरू हुए 4 साल हो चुके हैं पर फिर भी बहुत अच्छा लगा इस ट्रेन में सफ़र करके। वो सामने लखनऊ मेल खड़ी है जो एक लेजेंडरी ट्रेन है और हमेशा पैक रहती है। हमारी शिवगंगा एक्सप्रेस भी यहीं कहीं होगी। जी हाँ, वो रही हमारी शिवगंगा एक्सप्रेस। शिवगंगा एक्सप्रेस टाइम की बहुत पंक्चुअल ट्रेन है और एक बार तो ये ट्रेन मुझे 1 घंटे पहले ही अपने गंतव्य स्थान यानी कि मड़ुआडी पे पहुंचा दी थी। वो व्लॉग आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये है अहमदाबाद राजधानी, इस ट्रेन में भी मैंने यात्रा की हुई है। सभी वीडियो का जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा इस ट्रेन का पैंट्री कार, जहां आपके लिए छोटी मोटी खाने की चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं। और ये रहा इस ट्रेन का स्लीपर क्लास। और नॉर्मल स्लीपर क्लास की तुलना में इस ट्रेन का स्लीपर क्लास बहुत अलग है। आप देख सकते हैं, पर अफसोस है कि इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है।
चलिए आपको ले चलते हैं जनरल क्लास की तरफ। और सच बोलिए तो जब मैंने पहली बार इस ट्रेन का जनरल क्लास देखा था तो मैं खुद सरप्राइज हो गया था। चलिए आपको दिखाते हैं। छी सिर्फ इसी चीज़ को देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप देख सकते हो बहुत गुस्सा आता है ये चीज़ देख करके। जब साफ़ सफाई ऐसी नहीं होती तो जब लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर देते हैं यहाँ पे। खैर इंटीरियर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, नॉर्मल जनरल क्लास से कितना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों हमारा जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जर्नी करके। इंटीरियर इस ट्रेन का बहुत ही खूबसूरत था और मैं चाहूँगा कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी ट्रेनें चलाई जाए महामाना टाइप की। और कितनी अच्छी बात है कि आईसीयू ब्रेक्स होते हुए भी इसके अंदर इतनी खूबसूरती, इतनी अच्छी चीज़ें इसमें हैं। पर एक चीज़ है कि जनरल क्लास में जब मैं घुसा तो देखा तो बहुत ज़्यादा ख़राब लोग वहाँ पर किए हुए थे, मतलब कितना ज़्यादा ख़राब हालत में वो चीज़ें थी। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सरकार बहुत अच्छा काम करती है हमारे लिए, पर जो हमारे लोग अपने लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं हमारे ट्रेन्स में वो साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करके रख पाते और इतनी अच्छी ट्रेन का भी एक होता है ना कचरा करना, वो कर देते हैं। बाकी ये जो ट्रेन है वो बहुत ही खूबसूरत है अंदर से, बहुत ही, मतलब कि मैं तो ये बोलूँगा कि अभी तक जितनी मैंने ट्रेनों में सफ़र किया हुआ है सबसे अच्छा इंटीरियर जो है वो मुझे महामाना एक्सप्रेस का ही लगा है। रिकॉर्ड करते करते कैमरे की बैटरी चली गई इसलिए एंडिंग ऐसे करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।